प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म तथा फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का महत्व, और उसी में एक है कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण अवयव है, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर विद्यमान समस्त प्राणियों के लिए भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करता है। न केवल भोज्य पदार्थ बल्कि अन्य अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, और आप जानते हैं प्लांट से प्राप्त वाली हर चीज किसी न किसी रूप में फोटोसिंथेसिस पर निर्भर करेगी, क्योंकि यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो निश्चित तौर पर प्लांट जीवित ही नहीं रहेगा, और जब प्लांट जीवित ही नहीं रहेगा तो उससे उस पदार्थ की प्राप्ति होने की कोई संभावना ही नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी बायोटिक चीज़ें हैं उनकी मैक्सिमम निर्भरता किस पर है, प्लांट पे, और जो प्लांट पर निर्भर हैं, प्लांट निर्भर है फोटोसिंथेसिस पर, तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से प्रत्येक प्राणी फोटोसिंथेसिस पर निर्भर है। जैसे हम कहें कि भोज्य पदार्थ की जो हमारी सप्लाई हो रही है जो हर्बीवोर्स प्राणी हैं, शाकाहारी जीव हैं, ये तो अपना भोजन सीधे ग्रीन प्लांट से ले लेते हैं, हरे पौधों से लेते हैं। जो मांसाहारी हैं निश्चित तौर पे ये जीवों का भक्षण करते हैं, जंतुओं का भक्षण करते हैं, किंतु यह जो जीव होता है ये निर्भर करता है हरे पौधे पर। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं और ये जो हरा पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो या स्केवेंजर हो, मृतोपजीवी हो, सैप्रोफाइट्स हो, जो भी हैं वे सारे के सारे किसी न किसी रूप में हरे पौधों पर निर्भर करेंगे, और जो हरा पौधा होगा वो फोटोसिंथेसिस पर निर्भर करेगा। तो निश्चित तौर पे जैवमंडल में भोजन प्रदाता के रूप में फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया का काफ़ी महत्व है। यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आप जानते हैं कई प्लांट ऐसे होते हैं जो आयल जिनमें पाया जाता है, जैसे आप मस्टर्ड ले लीजिए, तिलहन अन्य तिल हैं, मूंगफली है, ये जो प्लांट हैं आपको आयल या फैट भी प्रोवाइड करते हैं। हमें प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति हमें प्लांट से भी होती है और एनिमल से भी होती है। जितनी पल्सेज होती हैं दलहनी फसलें, यहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा है। सोयाबीन है, यहाँ से भी हमें प्रोटीन मिल रहा है। तो ये सब तो प्लांट हैं, सीधे सीधे प्लांट से हमें प्रोटीन मिल रहा है, और यह जो प्रोटीन मिल रहा है यह प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में
जो उत्पन्न हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसी में केमिकली परिवर्तित होने परिवर्तन के उपरांत हमें प्रोटीन की प्राप्ति होगी। या जो फैट है, आप जानते हैं ये कंडेंस कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, तो इनकी प्राप्ति भी हमें अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस से हो रही है। अगर हम एनिमल प्रोटीन्स की बात करें तो चाहे वो मीट ले लें या एग ले लें, फिश ले लें, ये जो माध्यम हैं प्रोटीन के, ये भी अल्टीमेटली हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव चूंकि पौधों पर निर्भर हैं, और पौधे किस पर निर्भर हैं? प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ से इनडायरेक्टली ये भी चीज़ें हमें प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होती। तो कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व है वो संपूर्ण जीवमंडल में भोजन प्रदाता प्रक्रिया के रूप में इसका इम्पोर्टेंस है। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, ऊर्जा का स्रोत, भोज्य पदार्थ के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में, और जो फोटोसिंथेसिस है ये इसी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और यही जो रासायनिक ऊर्जा है वह हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। जो यह रासायनिक ऊर्जा मिली वो प्लांट्स की ग्रोथ में काम आएगा, तो निश्चित तौर पे जो उड का निर्माण होगा उस उड के दहन से यानी लकड़ी की वृद्धि होगी। लकड़ी का अगर हम दहन करेंगे तो हमारे लिए ईंधन का काम करेगा। आप जानते हैं कि जो कोयला है यह और कुछ नहीं है बल्कि पुराने समय में जो दब चुकी लकड़ियां हैं या पौधे हैं, जब उनके ऊपर दबा, उनमें प्रेशर और टेम्परेचर के उपरांत जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के उपरांत वे कोयले में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यह कोयला भी आप जानते हैं कि हमारे लिए ईंधन का काम करता है। ऐसे ही आप पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वह जीवों के विघटन, जीवों के शरीरों के विघटन के उपरांत होती है। वो प्रेशर और टेम्परेचर के उपरांत उनमें जो केमिकल परिवर्तन आता है वहाँ से हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राप्ति होती है। आगे आप सोशल स्टडी वगैरह में पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस के द्वारा जो जीव हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। और हम जान रहे हैं कि जीव किस पर निर्भर करते हैं, हरे पौधों पर, और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जीवित रहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम भी प्रकाश संश्लेषण की के लिए, पेट्रोलियम का भी उत्पादन अल्टीमेटली प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। तो इस ढंग से प्रकाश संश्लेषण हमें ऊर्जा का स्रोत भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि किसी भी जीव को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और आपने देखा था कि उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण का, जो पृथ्वी पर जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता। ऑक्सीजन प्रदाता के रूप में,
ऑक्सीजन, इसकी प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में होती, और यह ऑक्सीजन पृथ्वी पर विद्यमान समस्त प्राणियों के लिए श्वसन गैस के रूप में जानी जाती है। अर्थात इसकी उपस्थिति में जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ खाया, यह तभी हमें ऊर्जा प्रदान करेगा जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, दहन होगा, और दहन के बाद तब हम इस ऊर्जा का उपयोग हमारी शरीर करती है। सीधे सीधे भोज्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब से हमसे इन एनर्जी नहीं मिलती, जो उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तब जा करके मिलती। और इस भोज्य पदार्थ के ऑक्सीडेशन के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वो ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है वह प्रकाश संश्लेषण से होती। तो निश्चित तौर पे प्रकाश संश्लेषण का यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व है कि वह जो है श्वसन गैस ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने की क्या है क्रियाविधि। पत्तियों के अंदर विद्यमान यह जो संरचना है इसी को कहा जाता है स्टोमेटा या पर्ण। कि पत्तियों में विद्यमान यह स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान, वायुमंडल से गैसों को पौधों तक पहुंचाने तथा पौधों से जो गैसें हैं उनको बाहर निकालने, साथ ही साथ कुछ पानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालने में इस स्टोमेटा का महत्वपूर्ण रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रवेश करेगी अंदर, उस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। इसे पूरा स्टोमेटा कहा गया है, इस पूरी संरचना को स्टोमेटा कहा गया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दो बीन शेप के, सेम के बीच के आकार के दो स्ट्रक्चर हैं, इनको कहा जाता है गार्ड सेल। गार्ड सेल जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो पौधों में विद्यमान जो पानी है उस पानी को यह गार्ड सेल अवशोषित कर लेता है, और जब इसमें पौधों में विद्यमान पानी को अवशोषित करेगा तो यह गार्ड सेल जो है यह फूल जाती है और फूल करके सेम के आकार का ये आकार धारण कर लेती है। जिससे आप देख रहे हैं कि बीज की जो ओपनिंग है ये खुल जा रहा है, इसका ये जो मुंह है ये खुल जाएगा, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ना केवल गैसों का आदान प्रदान हो रहा है बल्कि साथ ही साथ पौधों में विद्यमान जो पानी है वह भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो चूंकि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, अगर यह मुंह हमेशा पर्णदंड स्टोमेटा का मुंह हमेशा खुला रहे तो निश्चित तौर पे पानी का लास होगा। तो उसको रोकने के लिए यहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है पौधों को, उस दशा में यह मुंह बंद रहता है। और बंद रहने की जो मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसी है कि जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होगी तो उस दशा में इस गार्ड सेल के अंदर विद्यमान जो ऑस्मोसिस के द्वारा, परासरण के द्वारा आ चुका पानी होगा वह परासरण के ही माध्यम से इस गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है। और जब गार्ड सेल से यह बाहर निकल जाएगा तो इसका जो आकार होता है कुछ इस ढंग से हो जाता है। यानी ये सिकुड़ जाएगा, अब यहां पे देखिए ये जो छिद्र है इसका मुख काफी संकरा हो गया है,
तो गार्ड सेल का जो पिचका हुआ रूप है, सिकुड़ा हुआ रूप है, इसका मुंह देखिए बंद है। तो बंद पर्णरंध्र की दशा में यह गैसों का आदान प्रदान नहीं करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी तो परासरण के माध्यम से पौधे में विद्यमान जो पानी है वो इस गार्ड सेल के अंदर जाएगा, जिसे प्राप्त करके यह गार्ड सेल फूल जाएगी। अब गार्ड सेल के फूल जाने के उपरांत इसका जो ये माउथ है ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और इस खुले हुए माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पानी का भी लॉस होगा। इसी पानी के लॉस को कम करने के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है प्लांट्स को, तो यहाँ का जो पानी होगा, गार्ड सेल का पानी होगा, वह पुनः परासरित होकर के कहाँ चला जाएगा, प्लांट्स के अन्य भागों में चला जाता है, गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है। और जब गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा तो इसका जो आकार होगा इस ढंग से सिकुड़ कर पिचक जाएगा। इस स्थिति को कहा जाता है स्टोमेटा की बंद स्थिति। इस समय क्लोज्ड स्टोमेटा है। अब क्लोज्ड स्टोमेटा की दशा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं जाएगी। तो इस ढंग से प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने की मैकेनिज्म यहाँ पे देखी जा सकती। तो प्लांट्स गैसों का आदान प्रदान कुछ इस मैकेनिज्म के माध्यम से करते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि मरुस्थलीय पौधों के साथ क्या होता है। एक बार पूछा गया है यह प्रश्न कि मरुस्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वह रात में लेते हैं, दिन में क्यों नहीं लेते हैं। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। हम जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसके कुछ चरण हैं। तो पहले चरण में प्रकाश का अवशोषण होता है, दूसरे चरण में जल का विघटन होता है, और तीसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है, और यही फाइनल स्टेप आपका होता है। तो यहां से देखने पे लग रहा है कि सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता होगी, फिर जल का विघटन होना है तो जल की आवश्यकता होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता। तो निश्चित तौर पे एक क्रम होना चाहिए कि प्रकाश का अवशोषण हो, फिर H2O का विघटन हो या कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन हो। लेकिन यह सारी प्रक्रियाएं एक साथ संपादित नहीं होती हैं, ये ध्यान में रखें। और यही एक्सप्लेनेशन होगा कि मरुस्थलीय पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, किंतु हम जानते हैं कि रात में तो प्रकाश होता नहीं है, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। उसी चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। मरुस्थलीय पौधे, रेगिस्तानी पौधे, हम जानते हैं कि रेगिस्तानी पौधों के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ का वाटर लेवल है, निश्चित तौर पे वहाँ पे पानी का अभाव है, तो उनके लिए पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जब वो दिन में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए अपने स्टोमेटा का मुंह खोलेंगे तो निश्चित तौर पे धूप अधिक होती है, तो जब धूप अधिक होगी तो निश्चित तौर पे वाष्पोत्सर्जन वहाँ पे गैस का इनपुट तो होगा, गैस तो अंदर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, किंतु साथ ही साथ जो पानी है वह पौधों से निकलकर बाहर जाएगा। और जब पौधों से निकलकर पानी जाएगा तो निश्चित तौर पे वह मरुस्थलीय पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वहाँ के पौधों की मैकेनिज्म ऐसी होती है कि जिससे उस पानी का लॉस कम हो, नुकसान कम हो, तो वहाँ के पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण न करके रात में अवशोषण करते हैं। सिर्फ
इवापोट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस है, उससे पानी के लाश को बचाने के। अब रात में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो फिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो निश्चित तौर पे मैंने अभी बताया कि यह क्रम एक साथ घटित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये अवशोषण हुआ तुरंत ये हो गया फिर ये हो गया, ये स्टेप्स में समय भी लग सकता है, इसमें टाइम का गैप हो सकता। तो मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण कुछ यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जैसे आज अगर रात में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का को अवशोषित किया, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करके रखे हैं तो रात में उनके पास प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी विद्यमान है। दूसरे दिन सुबह जब सूर्य का प्रकाश हो पाएंगे तो उनके अंदर जो विद्यमान है उस पानी का विघटन होगा, यानी क्लोरोफिल वहाँ की क्या करेगी, प्रकाश का अवशोषण करेगी और उस प्लांट में विद्यमान जो पानी होगा उसका विघटन करेंगे। और जो आज के दिन, आज रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण उन्होंने किया था, उसका कल दिन में प्रकाश के समय अवघटन होगा। तो ये जो प्रक्रिया चलती है मरुस्थलीय पौधों में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से प्रारंभ होती है। वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अवशोषित करके रखे रहते हैं और दूसरे दिन जब प्रकाश आता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पहले से उपलब्ध रहता। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि मरुस्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जब रात में करते हैं और रात में चूंकि सूर्य का प्रकाश होता नहीं तो वहाँ पे मरुस्थलीय पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण इसलिए करते हैं कि जिससे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उनमें जल की हानि ना हो, और जब जल की हानि नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जल वाली क्राइसिस वहाँ पे कम उत्पन्न होगी। और उस दौरान रात में जो अवशोषित करके रखी गई कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए वो अगले दिन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप इस रूप में दे सकते हैं। तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताएंगे, जहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, स्पेशली कंपटीशन वगैरह में इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, स्टार्च टेस्ट क्या है या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये मटेरियल आवश्यक ही हैं, या प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं उसका कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस आज यहीं तक, थैंक यू।